हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम डीआई की अगली सीरीज लेके आए हैं, ठीक है। और देखो, इसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। एक बार टेबल को देख रहे होंगे आप, और आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ये खाली खाली क्यों छोड़ दिया, कि सर जब आपने ये खाली छोड़ दिया, टेबल आपने पूरी नहीं बनाई, तो हम क्वेश्चन को सोल्व कहाँ से करेंगे, आप तो टेबल ही पूरी नहीं बनाई। अरे भाई साहब, यहाँ पर यही तो बात है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि बंदे टेबल को देखते ही पसीने छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे, हम बहुत शानदार तरीके से तैयारी करने वाले हैं, यहां पर हमारे पसीने नहीं छूटने वाले। एक मिनट रुको, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखना ये जो खाली स्थान है ना, वो चुटकियों में भर दोगे आप। किसमें? चुटकियों में, ठीक है। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज एक बार जरूर सब्सक्राइब करो। उसके पास में बेल आइकन का बटन है, उसको दबा दो, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। इसके अलावा नेक्स्ट बात, अभी तक आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, यदि आपने अभी तक मेरा पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज अभी तुरंत पेड बैच ज्वाइन कर लो। बहुत शानदार है, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाने वाला हूं यहां पर मैं सब कुछ, ठीक है। और देखो गजब तरीके से, यहां से 10 नंबर नहीं जाने देंगे। एक क्वेश्चन है ये 10 नंबर का, भाई साहब 10 नंबर का एक क्वेश्चन, एक भी नंबर नहीं जाने देंगे यहां से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेबल का क्वेश्चन आए, डीआई का क्वेश्चन आए, उससे पहले ऊपर की नीचे की दो चार लाइन है उनको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं पढ़ के बताता हूं आपको किताब से उठा के, ठीक है। इस टेबल के जस्ट नीचे तीन चार लाइन लिखी हुई है, उनको ध्यान से सुनो। देखो भाई साहब, इसमें 5 विषयों की परीक्षा देने वाले एवं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को दर्शाया गया है। देखो सबसे पहले तो एक साइड सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जिसमें 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएस है, एसएस का मतलब है सोशल साइंस, और कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा इस टेबल में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये पास होने वाले स्टूडेंट है, ये फेल होने वाले स्टूडेंट है, और ये मैक्सिमम मार्क्स है। कि भाई साहब 600 नंबर से ज्यादा इंग्लिश में कोई नहीं लेके आ सकता, 400 से ज्यादा साइंस में नहीं लेके आ सकता, और एसएस में 400 से ज्यादा नहीं लेके आ सकता, और कंप्यूटर में 400 से ज्यादा नहीं लेके आ सकता। ये है मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो, ठीक है। तो अब हो जाओ सतर्क सावधान, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हम। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन को छाप देता हूं बोर्ड के ऊपर, ठीक है। मैं क्वेश्चन छाप रहा हूं, आप ध्यान से लिखते जाओ। यदि गणित का उत्तीर्णांक, यदि मैथ का उत्तीर्णांक किसका, मैथ का क्या उत्तीर्णांक 35% था, ठीक है, और ऐसे कैसे, ऐसे व्यक्ति जो गणित, किसमें, गणित में, मैथ में केवल क्या, मैथ में केवल उत्तीर्ण हुए अंक प्राप्त करते हैं, उत्तीर्ण हुए प्राप्तांक 70 था, तो गणित का पूर्णांक क्या था। देखो सबसे पहले तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, यहां पर दो शब्दों का यूज हुआ है, एक शब्द है उत्तीर्णांक और एक शब्द है पूर्णांक। देखो पूर्णांक का मतलब होता है टोटल नंबर, और उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग मार्क्स। जैसे हम अपने नेट जेब के पेपर की बात करें, तो भाई साहब यहां पर पासिंग मार्क्स का रेशियो कितना है, 35%, ठीक है भाई। ओबीसी एसटी एससी के 35% तो लेके आओगे, इससे कम लेके आते हो फिर चाहे आपका दूसरे पेपर में कितना भी नंबर हो, आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। तो ये जो 35% 40% का सिस्टम है, ये क्या है, ये यहां पर क्या है, उत्तीर्णांक है। कि भाई साहब इतने तो आपको चाहिए, इससे कम लेके आओगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। दूसरी साइड बात की जाए पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है टोटल नंबर। जैसे हमारा फर्स्ट पेपर 100 नंबर का होता है, और हमारा जो ज्योग्राफी का पेपर होता है, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर, वो 200 नंबर का होता है। तो 200 नंबर क्या है, पूर्णांक है, और जो 35% 40% है वो क्या है, उत्तीर्णांक है। कि भाई उतने तो चाहिए ही। जैसे हम 10th की परीक्षा देते हैं, या कोई भी यूनिवर्सिटी के बोर्ड की परीक्षा देते हैं, या यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं, तो वहां पर 36% तो हमें लेके आने ही पड़ते हैं,
36 नंबर तो हमें लेके आने ही पड़ते हैं, 36% या 36 नंबर जो भी रेशियो है। अब देखो अपन क्वेश्चन के दोनों कीवर्डों को समझ लिया कि उत्तीर्णांक और पूर्णांक का मतलब क्या है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, आंसर देते जाओ। यदि मैथ का उत्तीर्णांक 35% था, क्या था भाई साहब उत्तीर्णांक कितना था 35%, ठीक है, मैथ का उत्तीर्णांक कितना था 35%, और ऐसे व्यक्ति जो गणित में केवल उत्तीर्ण हुए प्राप्तांक 70 था। प्राप्तांक का मतलब होता है प्राप्त किए गए मार्क्स, कि आपने कितने नंबर लेके आए। आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो वो आपका प्राप्तांक है, आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो वो आपका प्राप्तांक है, ठीक है। तो आप जितने नंबर लेके आ रहे हो वो क्या आपका प्राप्तांक है। अब देखो ये जो लाइन है ना वो इस क्वेश्चन को सिंपल बनाएगी। लाइन क्या लिखी हुई है कि ऐसे व्यक्ति जो गणित में केवल उत्तीर्ण हुए, जो केवल पास हुए हैं, और उनके प्राप्तांक कितने थे 70 नंबर थे। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो मैथ में केवल पास हुए हैं उनके कितने नंबर आ रहे 70 नंबर। तो हम सीधे से बात बोल सकते हैं कि जो हमारा उत्तीर्णांक है, जो हमारा पासिंग नंबर है वो कितना है 70% नंबर, ठीक है। तो यहां पर उत्तीर्णांक 35% बताया और 70 नंबर लेके आने वाले पास हो रहे हैं, केवल पास हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं केवल पास हो रहे हैं। तो इस 35% का जो ये उत्तीर्णांक ये कितना है 35%, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तीर्णांक कितना है 70 नंबर, ठीक है। तो एक तरीके से क्या बोले हम बोल सकते हैं कि 35% का मान कितना है 70 है, ठीक है, बोल सकते हैं भाई 35% का मान 70 नंबर है। यहां से यदि हम 1% की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे 70/35 कर देंगे, 70/35 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1% का मान आ जाएगा, 35 × 70, ठीक है, दो बार कट गया, मतलब 1% का मान कितना आ गया हमारे पास 1% का मान आ गया 2, 1% का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। टोटल पूर्णांक कितना होता है 100% होता है, हमें क्या निकालना है टोटल पूर्णांक निकालना है। तो यदि हम 100% का मान निकालेंगे तो 2 को क्या कर देंगे 100% से गुणा कर देंगे, तब 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा 200 आएगा। तो मतलब जो पूर्णांक है वो कितना है 200 नंबर, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने 200 नंबर, ठीक है, ये हमने टेबल में भर दिया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है सभी 5 विषयों में सभी पांच विषयों में विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और कोष्टक में एक बात लिखी हुई है कि पिछले प्रश्न का उत्तर भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है भाई साहब, क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया क्वेश्चन ने कि भाई साहब सभी 5 विषयों में विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, सभी 5 विषयों में विद्यार्थी अधिकतम कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप पिछले प्रश्न का उत्तर भी उपयोग कर सकते हो। मतलब हम जो मैथ का आंसर निकाले थे उसका भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा था, मैक्सिमम 5 सब्जेक्टों में कितने नंबर लेके आ सकते हो भाई साहब 600 इंग्लिश में लेके आ सकते हो, मैथ में 200 लेके आ सकते हो, साइंस में 400 लेके आ सकते हो, सोशल साइंस में 400 लेके आ सकते हो, इसके अलावा कंप्यूटर में 400 लेके आ सकते हो, इससे ज्यादा नंबर आप किसी भी हाल में नहीं लेके आ सकते। तो 600 और 400, 1000, 1800, 1800, 2000, 2000, तो यहां पर आंसर क्या हो गया 2000 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 2000। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है तीसरा,
तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन लिखा हूं मैं, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तीसरा बहुत शानदार क्वेश्चन है। विज्ञान में, किसमें विज्ञान, विज्ञान की बात की गई है भाई साहब, विज्ञान में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और समाज अध्ययन, इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, सोशल साइंस, सोशल साइंस में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों, होने वाले विद्यार्थियों में कितना अंतर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने वाले, तो हमें एक साइड तो विज्ञान में अनुत्तीर्ण की बात करनी है, एसएस में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में कितना अंतर था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने वाले, हमें साइंस में चलना है, साइंस में फेल पढ़ाना है हमें। अब यहां पर भाई साहब फेल में तो कुछ है नहीं, साइंस में जो फेल स्टूडेंट है वो निकालना है हमें, साइंस में फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड स्टूडेंट। अभी हम कैसे निकालेंगे भाई साहब, यहां पर तो वैल्यू दी नहीं है। अरे भाई लोगों टेबल को देखो आप, एक साइड टोटल नंबर है, टोटल नंबर स्टूडेंट का कितना है 300, ठीक है। अब 300 में से यदि 216 कैंडिडेट पास हो गए तो भाई साहब बाकी के क्या हो गए, फेल हो गए। टोटल 300 स्टूडेंट है, 300 में से 216 स्टूडेंट पास हो गए तो फेल कितने हुए हम निकाल लेंगे, 4 बच गया और 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, ठीक है। तो मतलब 84 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। समझ में आ गई ना बात। अरे भाई साइंस में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 300 थे, 300 में से 216 पास हो गए तो बाकी के फेल हो गए, तो फेल कितने हो रहे हैं, 84 हो रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से यहां पर आ जाओ, एस एस में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में कितना अंतर है, तो हमें क्या निकालना है यहां पर, सोशल साइंस में पास होने वाले स्टूडेंट। तो भाई साहब फिर यहां पर प्रॉब्लम आ गई कि यहां पर तो दिया हुआ है नहीं है कि सोशल साइंस में पास कितने हुए थे। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो भाई लोग, टेंशन नहीं लेने का, एस एस में देख लो पास निकालने हमें कि पास कितने स्टूडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई अंतर है क्या, अरे सोशल साइंस में टोटल स्टूडेंट कितने, 360 कितने हैं, 360, फेल कितने हो गए, 48 हो गए, 48 थे मेरे जैसे जो फेल हो गए, कितने में से 360 में से, 360 में से जब 48 स्टूडेंट फेल हो गए तो आपके जैसे पास कितने हुए, कितने हो गए भाई साहब, देखो 312, ठीक है, 312 क्या हो गए, पास हो गए। तो सोशल साइंस में पास कितने हो रहे, 312, दोनों में अंतर निकलवा रहे हैं भाई साहब। अब क्वेश्चन को समझो कि विज्ञान में फेल और सोशल साइंस में पास होने वाले विद्यार्थियों में कितना अंतर है, तो मेरे प्यारे साथियों 312 माइनस 84 कर दो, जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो 312 में से 84 कम करोगे, वही अपना एक तरीका अपनाओ सीधा सीधा सोल्व करने का, वैसे क्यों घटाते हो, 312 में से सीधे 100 घटा दो, बचेंगे कितने, 212। देखो मैं सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं, 312 में से सीधा 100 कम करो, क्या कर दो, 312 में से सीधा 100 कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 212 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 212। अब भाई साहब 84 और 16 कितने होते हैं, 100 होते हैं, 12 ये कट गई तो ये 12 हटा दो यहां पर, ठीक है, और इसमें से फिर 4 लेस कर दो, मतलब 196, ठीक है। तो अंतर कितना आ रहा है, 196 आ रहा है, कितना, 196, 196 इसका अंतर आएगा। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समाज अध्ययन और गणित में उत्तीर्णता प्रतिशत में लगभग कितना प्रतिशत का अंतर है। देखो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, वैसे मैं कल समझा दिया था इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए ये, लेकिन मैं बता देता हूं, समाज अध्ययन एस एस और मैथ, एस एस और मैथ,
ठीक है, में उत्तीर्णता किसकी बात की गई है, उत्तीर्णता की बात की गई है, किसकी उत्तीर्णता प्रतिशत में लगभग, प्रतिशत में लगभग किसकी बात की गई है, लगभग की, लगभग कितने प्रतिशत का, कितने प्रतिशत का अंतर है, क्या अंतर है, अंतर पूछ रहे हैं भाई साहब, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 100% इसको बिना टेंशन लिए सॉल्व कर दोगे। बात की गई है कि सोशल साइंस और मैथ में उत्तीर्णता प्रतिशत में लगभग कितना अंतर है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एसएस में, ठीक है, कि एसएस में जो पास का, जो उत्तीर्णता का, किसका उत्तीर्णता का, उत्तीर्णता का मतलब क्या होता है, पास में का प्रतिशत, यदि हम एसएस का उत्तीर्णता का परसेंट निकालें, इस क्वेश्चन का मतलब ये जो शब्द है ना एसएस में उत्तीर्णता का परसेंट, इसका मतलब है कि भाई साहब जो टोटल स्टूडेंट थे उनमें से कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, उनमें से कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लो कि टोटल स्टूडेंटों में से, सोशल साइंस के टोटल स्टूडेंटों में से कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ये हमें यहां पर निकालना है। तो देखो मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि जिसका मान हमें निकालना है वो ऊपर रहेगा, जिसके आधार पर निकाल रहे हैं वो नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें एस एस में पास होने वालों का परसेंट निकालना है, तो एस एस में पास कितने हो रहे हैं, तो एस एस में पास हो रहे हैं हमारे भाई साहब कितने, अभी यहां से निकाला था हमने 360 में से कितना कम कर दो भाई साहब 48। देखो मैंने बताया था ना, थोड़ा सही ढंग से लिखोगे तो दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। यदि मैं इस संख्या को, यदि आपने पिछले वाले क्वेश्चन को एक सिस्टमैटिक ढंग से सोल्व किया है, पेज में सही ढंग से सोल्व किया है, तो ये दोबारा से लेस नहीं करना पड़ेगा, तुरंत वहां से मान उठा लो, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा 312, ठीक है, सोशल साइंस में पास होने वाले कितने हैं 312 है, कितने पर है 360 के ऊपर है सब, 360 में से 312 पास हो रहे हैं, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, इस जीरो से ये जीरो काट दो, अब कितना बच गया है हमारे पास 31 20 बटा 36। आप सोचोगे कि 31 20 क्यों, अरे भाई साहब 100 में से एक जीरो कटी है, एक जीरो को हम यहां पर जोड़ेंगे ना, इसको दो से काट दो आप, ठीक है, 36 को दो से काट दो, 36 को दो से क्यों, 8 चौक 32, 9 चौक 36, ये तो 9 से 9 चौक 27 32, 9 चौक 27 बिल्कुल। देखो इसको 4 से काट दो आप, देखो मैंने बताया था आपको, आप सोचोगे कि सर आपने ये 4 से इतना सा टाइम में अनुमान कैसे लगा लिया कि 4 से काट रहे, भाई 10 से बड़ी संख्या से मत काटो आप, सबसे पहले तो ये बात रखो, और आप 10 से बड़ी संख्या से भी काट सकते हो यदि आपको पहाड़ा याद है। अब मैंने यहां क्या अनुमान लगाया, 36 को देखते मेरे को पता चल गया कि इसमें हम 4 का भाग भी दे सकते हैं। देखो 4 का पहाड़ा याद करो, 4 × 4 = 8, 4 × 12 = 4 × 16 = 4 × 20 = 4 × 24 = 28 32 36 40, ठीक है, ये मैंने पहाड़ा लिख दिया 4 का। आप सभी का ऐसे करोगे सोल्व क्वेश्चन इस टाइप का, यदि काटना है तो सभी में ये सिस्टम होगा, ठीक है। अब देखो यदि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 2 6 और 0, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में ये वाले नंबर आ रहे हैं तो उसमें आप बेझिझक होकर 4 का भाग दे सकते हो। इसी तरीके से आप यदि 9 का भाग देना चाहो, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 2 = 90। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उसमें आप बेझिझक होकर किसका 9 का भाग दे सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें बिना किसी टेंशन के 9 का भाग दे सकते हो। देखो यहां पर 6 आ रहा है लास्ट में, तो इसमें 9 का भाग भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा फॉर्मूला, अपना खुद का ट्रिक, ठीक है, तो ये फॉलो कर सकते हो। अब मेरे को पता चल गया है कि हम दोनों, और ध्यान रखना काटो तब दोनों संख्याओं में ऊपर और नीचे, मतलब
अंश और हर में समान संख्या का भाग देना है, ऐसे नहीं कि ऊपर कुछ दे दिया नीचे कुछ दे दिया। देखो 9 चौक 36, 9 3 27, ठीक है, बच गए 3 4, 27 28 29 30 31 4 42, 9 5 45, 9 9 1 9, 9 2 8, सॉरी 9 चौक 31, 20 में हम यहां से 4 का भाग देते हैं तो 9 4 4 4 4 4 4 4 5 20 4 6 24 4 7 28 7 4 28 3 बच गए 8 चौक 32 0, ठीक है। तो ये कितने बार कट गया, 4 से ये तो कट गया 9 बार, 9 चौक 36, और ये कितने बार कट गया 780 बार, ठीक है, समझ में आ गई ना। 31 20 में जब 4 का भाग दोगे तो 720 आएगा, ठीक है, और नीचे आ गए हमारे पास 9। अब हमें इसको क्या करना है, इसको ऐसे कैसे सोल्व कर दो, अब तो थोड़ा सा बच गई ना संख्या, अब इसका भाग दे दो, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 78, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, कितना आएगा 9 8 72, कितना आ रहा है 72, सॉरी 9 8 72 होता है ना, तो कितना आ रहा है 72 आ रहा है, लेस कर दो कितने बच गए 6, 9 6 54, ठीक है, 9 6 54 में कितना आएगा 54, फिर कितना बच गया 6 बच गया। अब ये सीक्वेंस चलती रहेगी, तो यहां पर क्या आया कि भाई साहब सोशल साइंस में 86.6% स्टूडेंट पास हुए थे। अब यहां से यदि वो फेल की पूछ ले तो 100 में से आप 86 को घटा दोगे, 86.6 को घटा दोगे यदि, तो वो क्या जाएगा फेल आ जाएगा परसेंट में, ठीक है। तो यहां से आप दोनों निकाल सकते हो, पास कितने हुए 86.6%, यदि इसी क्वेश्चन को वो पूछ ले कि सोशल साइंस में मैथ में फेल हुए स्टूडेंट का कितना परसेंट था, सिंपल सी बात है 100 टोटल परसेंट होता है, उसमें से 86.6% वो लोग हैं जो पास हो चुके हैं, तो बाकी के बचे हुए क्या हो गए फेल हो गए, और यहां से आप बिल्कुल सिंपली तरीके से उनका फेल का रेशियो निकाल लोगे, ठीक है, ये उनके फेल का रेशियो है, 13.4% स्टूडेंट फेल हुए और बाकी 86.6% स्टूडेंट पास हुए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गई बात। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है, किस विषय में अनुत्तीर्ण, किस विषय में अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत सबसे कम है, बताओ कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें फेल होने का जो परसेंट है वो सबसे कम है। देखो मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए, सबसे छोटा क्वेश्चन है ये, दिखने में सबसे छोटा क्वेश्चन है लेकिन जब सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों के चारों ऑप्शन देखना है, एक लिखा हुआ है इंग्लिश, दूसरा ऑप्शन है मैथ, तीसरा ऑप्शन है साइंस और चौथा ऑप्शन है सोशल साइंस, ठीक है। अब आप बता रहे हो, सोचेंगे कि सर अभी तक आपने कभी ऑप्शन नहीं लिखा, यहां पर ऑप्शन क्यों लिख रहे हो, अरे भाई यहां पर हम 5 सब्जेक्ट है, यहां पर ऑप्शन में 4 सब्जेक्ट है, आंसर हमें इन 4 सब्जेक्टों से निकालना है, पांचवा हम क्यों सोल्व करें, हम 4 को ही सोल्व कर लेते हैं, पांचवा क्यों सोल्व करें। तो किस विषय में अनुत्तीर्ण होने का परसेंट सबसे कम है, मतलब फेल होने का परसेंट सबसे कम है, तो अब निकालते जाओ भाई साहब। सबसे पहले ले लो इंग्लिश को, इंग्लिश को ले लो, इंग्लिश को लोगे क्या करोगे, फेल कितने हुए 36, कितने में से 600 में से मल्टीप्लाई 100, समझ में आ गई, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। मैथ ले लो, मैथ में किसका निकालना है परसेंट, फेल होने वालों का, तो मैथ में फेल कितने हो रहे 60, ऊपर लिख दिया, टोटल स्टूडेंट कितने मैथ में, तो जोड़ दो भाई साहब मैथ में टोटल कितने
यदि 60 फेल हो रहे हैं, 240 पास हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 300। तो 300 मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से आप निकाल लो साइंस का, साइंस का निकालोगे क्या है? साइंस में फेल कितने हो रहे हैं? 84। टोटल कितने? 300 मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से आप जो चौथा है सोशल साइंस एसएस, उसका निकाल लो। एसएस में फेल कितने हो रहे हैं? 48। टोटल कितने? 360 मल्टीप्लाई 100। अब इसको आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, जो आपके पास वैल्यू आएगी उनमें देख लेना कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो आपका आंसर होगा। अब आप सोचेंगे कि सर कराए दो ना, बात खत्म हो जाए। तो लो प्यारे साथियों, ये इससे ये कट गया, 6×6=36, मतलब ये तो 6% आएगा। उसके बाद देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, ये आ गया 20%। ठीक है, आप समझो, समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि सर ने कैसे काट दिया। देखो मैं बताता हूं, मैथ में कितना था? 60 था फेल होने वाले का रेशियो, पास होने वालों का कितना है? 300 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सबसे पहले तो इन दो जीरो से दो जीरो को काट दो, फिर तीन का भाग 20 में देंगे कितना आएगा? 20 आएगा, 20% आ गया। एस एस को काट दो, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 84 में तीन का भाग दोगे तो 3×2=24, 26 आएगा। कितना? देखो मैंने अभी 24 बोला, आप सोचोगे 24 क्या गए, तीन का भाग दो, 3×2=6, 2 बच गए, 4 उतार लिया, 8×24 कितना हो गए? 8×24 तो यहां पर कितना आएगा? 28%। इसके अलावा इसी तरीके से इसका निकाल लो, इससे ये कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 18×36, 24×48, 9×18, 12×24, ठीक है, 3×4=12, 3×3=9, ठीक है। अब 40 में भाग दे दो तीन का, 40 में भाग देना है तीन का, अब दे दो भाई, 3×3, 1 बच गया, 3×3=9, 13.3 आएगा। कितना आएगा? 13.3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतनी बड़ी संख्या थी इसको सोल्व कैसे कर दिया, तो मैं फिर समझा देता हूं आपको, टेंशन नहीं लेने का। अरे 48 बटा कितना था हमारे पास? 360 मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले तो जीरो से जीरो काट दो, काट दिया, अब बचा 48 नीचे 36, ठीक है, कितना बच गया? नीचे 36 बच गया, ऊपर 48 बच गया। अब यदि हम 36 में 2 का भाग देते हैं तो 18×36, 24×2=48, यदि 24 में 2 का भाग देते हैं तो 12, 18 में 2 का भाग देते हैं तो 9, 12 में 3 का भाग जा रहा है 4 बार, 9 में 3 का भाग जा रहा है 3 बार, 4×3×10, 40×3, और ये आ जाएगा 13.3। अब देख लो इसमें सबसे कम परसेंट किसका है? इंग्लिश का है। तो किस विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले का परसेंट सबसे कम था? तो वो है इंग्लिश सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट में था? इंग्लिश सब्जेक्ट में। कौन से में? इंग्लिश सब्जेक्ट में। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये डीआई कंप्लीट होता है, इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट डीआई लेके आ रहा हूं मैं, जस्ट अगला क्वेश्चन, जिसमें हम वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। ठीक है, कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बता दो, क्योंकि हमें पता चलता है कि मैं पढ़ा रहा हूं जो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को। समझ में आना चाहिए, वो काम करो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और डीआई की मैं एक बहुत लंबी क्लास लेके रहा हूँ, 4 से 5 घंटे की, एक क्वेश्चन एक वीडियो देखो, उसमें पूरा का पूरा डीआई खत्म। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।